सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वार्ड सचिव कौन कौन से कार्य करते हैं। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, वार्ड की 7 सदस्य टीम ही वार्ड सचिव चुनती है, ठीक है। चलिए अब वार्ड सचिव के कौन कौन से कार्य होते हैं, कितने सालों के लिए वार्ड सचिव चुने जाते हैं, दोस्तों आइए इस वीडियो में पूरा पूरा मैं आपको ब्यौरा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिहार पंचायत हो चाहे झारखंड पंचायत हो चाहे यूपी पंचायत हो, वार्ड सचिव तो एक ही बार चयनित होते हैं, तो में एक ही बार वार्ड सचिव का चयन किया जाता है। दोस्तों बात करें बिहार पंचायत वार्ड सचिव का, तो दोस्तों इनका कार्य यही होता है कि वार्ड में विकास कार्य किए जा रहे हैं उसका समीक्षा करते हैं ये लोग, और वार्ड में आए फंड को सहमति के साथ हस्ताक्षर करके काम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए कि वार्ड सचिव यदि नहीं चुने जाएंगे तो कोई भी फंड आएगा तो पैसे की निकासी नहीं हो सकती है। दोस्तों वार्ड सचिव का बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है, वार्ड सचिव बिहार में बहुत जिम्मेवारी से काम करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वार्ड सचिव यदि नहीं चुने जाते हैं तो आपके पास नली गली हो, चाहे नल जल हो दोस्तों, चाहे ढलाई काम हो, चाहे कोई भी फंड आए दोस्तों पंचायत में, उसमें पैसा निकासी नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो वार्ड सचिव हैं, बताया जाता है दोस्तों कि वार्ड सचिवों का कार्यकाल मात्र और मात्र 2 वर्षों का होता है। तो मैं आपको बता दोस्तों, जब वार्ड सचिवों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है तो आखिरकार उन्हें जो है मैट्रिक स्तर पर बहाल क्यों किया जाता है। मैट्रिक स्तर पर बहाल इसलिए किया जाता है कि उनका जो है 60 साल के लिए संपिता पर जॉब हो जाए और उनको महीना महीना सरकार पैसे दे। लेकिन दोस्तों एक बातें कहाँ तक सच है, पीछे के सालों 2021 में चुनाव हुआ उसके बाद दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा वार्ड सचिव का चयन हो चुका है और उनका भी बहाली मैट्रिक आधार पर किया गया है। क्या वे 60 सालों तक अपना काम करते रहेंगे? मेरे पास दोस्तों क्या नए वाले वार्ड सचिवों को भी 2 या 4 साल में हटा दिया जाएगा, जिस प्रकार से पुराने वाले वार्ड सचिव 4 वर्षों तक बिना कोई भत्ता लिए हटा दिए गए, क्या वही हाल होगा नए वाले वार्ड सचिवों का? जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो बताएगा वार्ड सचिवों का कार्यकाल मात्र और मात्र 2 वर्ष का, ये पुराना नियमावली है दोस्तों। लेकिन अभी नए नियमावली के तहत यहाँ पर हमारे बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी घोषणा कर चुके हैं कि बिहार में जो वार्ड सचिव हैं वो 60 वर्षों के लिए कार्यरत रहेंगे। तो दोस्तों क्या वार्ड सचिवों का 5 वर्षों के बाद चयन नहीं होगा? ये तो हमको लग रहा है दोस्तों सस्पिशन। क्या मैट्रिक के आधार पर उनको बहाल किया गया है? क्या उन्हें भत्ता मिलेगा? क्या उन्हें पैसा मिलेगा? हालांकि ये बात सही है कि जो पंचायत में काम आते हैं, जो पंचायत में फंड आते हैं, उसमें वार्ड सचिव साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। यदि वार्ड सचिव साइन नहीं करते हैं, हस्ताक्षर नहीं करते हैं, कोई भी पैसे निकासी नहीं हो सकती दोस्तों। ये वार्ड सचिव का पावर होता है, ठीक है, वार्ड सचिव का शक्ति होती है दोस्तों। पंचायत में मुखिया हो, वार्ड हो, जिला परिषद हो, कोई भी हो दोस्तों, वार्ड सचिव का ही सहारा लेकर के वे लोग आगे बढ़ते हैं और फंड को कायम रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि वार्ड सचिव के कौन कौन से कार्य होते हैं, कितने वर्षों के लिए चुने गए हैं और इनका बहाली मैट्रिक स्तर पर आखिरकार क्यों किया गया है, ठीक है। चलिए तो वीडियो पसंद लगा दोस्तों, जानकारी पसंद हो जरूर लाइक कीजिएगा। और पुराने वाले वार्ड सचिव जो 4 वर्षों का काम करके बेचारे भटक रहे हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो हमारे तेजस्वी कुमार सरकार हैं, नए सरकार बिहार के उप मुख्यमंत्री, जरूर पुराने वाले वार्ड सचिवों के बारे में भी सोचें, उनकी भलाई करें और जो उनका बकाया राशि लौटाया जाए। और इधर नए वाले वार्ड सचिव तो भाई अपने में काम लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, क्या नए वाले वार्ड सचिव 60 वर्षों तक काम कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। जरूर कमेंट कीजिए, क्या मैट्रिक के आधार पर बहाली किया गया है, क्या वे लोग 60 वर्षों तक काम कर पाएंगे? दोस्तों जरूर कमेंट कीजिए, इसमें आपकी क्या राय है, क्या 5 वर्षों के बाद जब खत्म हो जाएगा कार्यकाल मुखिया का या सरपंच का या वार्ड का, तो क्या वार्ड सचिव पुनः चुने जाएंगे? जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों,
क्या अब बिहार की सरकार नए वाले वार्ड सचिवों को मैट्रिक पर आधार पर बहाल करके क्या उन्हें बुड़बक तो नहीं बना रही है? दोस्तों, क्या आपकी राय है, नए वाले वार्ड सचिव क्या 60 वर्षों तक काम कर पाएंगे? जरूर इसके बारे में कमेंट कीजिए। दोस्तों के मुताबिक ये भी बताया गया, कि जो नए वाले वार्ड सचिव हैं उनको जो है अनुरक्षक बनाया जाएगा। दोस्तों यदि अनुरक्षक बन जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अनुरक्षक का कार्य जो है 60 वर्षों के लिए हो जाएगा, क्योंकि वो संविदा पर बहाली है। लगभग में 56,000 बहाली दोस्तों बिहार में चलने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों अनुरक्षक यदि बन पाते हैं वार्ड सचिव तो बहुत बढ़िया बात है। सच्चाई नहीं है कि आप 60 वर्षों तक काम कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, 5 वर्षों के बाद आप जानते हैं मुखिया का, सरपंच का, वार्ड का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो नया जो मुखिया बनेंगे, नया अपने तरफ से वार्ड सचिव चुनेंगे, तो फिर मैट्रिक के आधार पर बहाली होगा। तो दोस्तों ये तो हमको लग रहा है बहुत ही झूठी बातें हैं, इसलिए आप लोग सतर्क रहिए और जो अनुरक्षक का बहाली है उसके बारे में सोचिए और भी काम को कीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारे बिहार में बहुत सारे ऐसे पंचायत जिसमें नौकरी सरकार दे रही है, जब से सरकार बदली है तब से बहुत सारे वैकेंसी जो है बिहार सरकार दे रही है। जैसे मान लीजिए दोस्तों स्वास्थ्यकर्मी हो, वार्ड सभा हो, या मान लीजिए ग्राम रक्षा दल हो, नाइट प्रहरी हो, बहुत सारे दोस्तों बहालियां सरकार जो दे रही है, आप ज़रूर उसमें अटेंड करें। यदि आप मैट्रिक और इंटर पास किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। विकास मित्र का भी बहाली आ रहा है दोस्तों, कई बार आ चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे ब्लॉक में भी जाति निवास प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए भी संविदा पर बहाली किए जाते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग अटेंड कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिए, पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।